वेलकम गाइस, आपको पता होगा कि नए कंट्रोल जो थे वो ऐड करे थे इस वर्जन में, पर वो है ही नहीं। मैंने भी चेक करा था, आपने भी चेक करा होगा, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करने हैं। तो चलो पहले हम दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से देखते हैं। देखो टच पे जाके हम देखेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल नज़र ही नहीं आते, तो इसका अब पता नहीं क्या रीज़न है, अब मेरे को तो पता नहीं है, पर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा बैक प्ले स्टोर में, जाना पड़ेगा वहाँ पे सर्च मारना पड़ेगा, क्विक एडिट सर्च करना है यहाँ पे हमें। इससे ज़्यादा बड़ी फाइल तो है नहीं, पर ये जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी। वैसे मेरे ओपिनियन से जो न्यू कंट्रोल है वो पिछले कंट्रोल से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मैंने तो जैसे स्क्रीन हिलाते हैं तो कभी कभार जैसे ब्लॉक गलती से टूट जाते हैं, पर इसमें तो अलग अलग चीज़ें हैं तो ये चीज़ें होती नहीं है। अब ये इंस्टॉल होने लग गया है, देख सकते हैं गाइस ये इंस्टॉल हो चुका है। जब इस दिल्ली से इसे ओपन कर लेते हैं, ओपन वगैरह। अब यहाँ पे हमें ओके कर देना है, यहाँ पे 3 डॉट्स हमें देंगे, यहाँ पर क्लिक कर देना है। पहले तो ये परमिशन मांगेगा, इसको इनेबल कर देना है। फिर यहाँ पे 3 लाइन आएंगी, आगे कर देना है इसे। फिर हमें नीचे स्क्रॉल करना है, एंड्रॉयड पे जाना है, डेटा पे जाना है, फिर थोड़ा टाइम लेगा। हम यहाँ पे com.mojang नाम की फाइल ढूंढनी है, ये फाइल फाइल्स पे जाना है, गेम्स पे जाना है, और यहाँ पर हमें माइनक्राफ्ट PE नज़र आएगा। यहाँ पे ऑप्शंस txt इस पर क्लिक कर देंगे, 12th नंबर पे एक ऑप्शन होगा, उसको हमें, इन दोनों को हमें कुछ नहीं करना, इसको हमें बस 0 से सीधा 1 कर देना है। 0 से इसे 1 कर लेते हैं, चलिए। फिर इसे नीचे से सेव का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर एक कट का ऑप्शन है, वहाँ पे भी क्लिक कर देंगे, इसे येस कर देना। बस आप कंट्रोल रेडी हो गए हैं, अब माइनक्राफ्ट ओपन करके देखते हैं हम। चलो जल्दी से अब माइनक्राफ्ट ओपन कर लेते हैं। वैसे यहाँ से माइनक्राफ्ट को मैंने हटा दिया, माइनक्राफ्ट इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों को बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।